हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। शाहरुख खान सलमान खान को मिल ही गया इस फिल्म के लिए वक्त, यहाँ शूट होगा क्लाइमेक्स। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान और भाईजान सलमान खान की लाइफ काफी बिजी रहती है। काफी समय से टाइगर 3 की शूटिंग के लिए डायरेक्टर दोनों की एक साथ डेट चाहते थे, जिसमें मेकर्स को अब कामयाबी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान सलमान खान इस महीने की आखिर टाइगर 3 के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुंबई में करने पर राजी हो गए हैं। टाइगर 3 से पहले सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अब सलमान खान की टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 का ऑडियंस बेताबी से इंतजार कर रही है। कुछ समय पहले ही सलमान खान ने टीजर शेयर करते हुए बताया था कि टाइगर 3 को साल 2023 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। शाहरुख और सलमान खान दोनों ही अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। वही सलमान खान की अपकमिंग फिल्में बजरंगी भाईजान, किक 2, दबंग 4 जैसी बड़े बैनर फिल्में भी शामिल है। दूसरी तरफ शाहरुख खान चेन्नई में फिल्म जवान की शूटिंग कर रहे हैं। सितंबर की आखिरी तक जवान की शूटिंग खत्म होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की आखिर में शाहरुख खान मुंबई की वापसी होगी, जिसके बाद शाहरुख और सलमान फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। शाहरुख को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डंकी की शूटिंग भी पूरी करनी है। डंकी में शाहरुख खान पहली बार तापसी पन्नू के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फिलहाल शाहरुख खान पठान की शूटिंग में भी बिजी है। शाहरुख खान और सलमान खान पहले भी कई एक बार साथ फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 1995 में राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन दोनों की एक बेहतरीन फिल्म है। काफी समय गुजर जाने के बावजूद भी लोगों के दरमियान फिल्म की यादें ताजा है। इसके अलावा हम तुम्हारे है सनम, कुछ कुछ होता है मैं भी दोनों एक साथ नजर आ चुके हैं। अब दोनों के फैंस फिर से एक बार अपने चहेते कलाकारों को एक साथ देखने के लिए बेताब हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।